वॉचिंग, काफी जहरीला जहर होता है। देखिए किस प्रकार ये अपना हुड उठा रहा है, और ये एक मास्क सा, और देखिए इसका यूज है किस प्रकार है। देखिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार दोस्तों। दोस्तों आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो पे स्वागत है, और आज जो हम लोग फिर से एक नया रेस्क्यू में आ रहे हैं, और ये जगह कौन सा है? चढ़ेटार मामरपुदर प्रखंड चास, प्रखंड चास ही है ये, प्रखंड चास जिला बोकारो झारखंड के अंदर है। दोस्तों यहाँ पे जो कोई सांप जो है घर में घुस गया है, और इन भैया ने जो हमें सूचना किया, और इन्हीं की सूचना की वजह से जो है इस सांप को जो है आज जान बचने वाली, सांप का नहीं तो लोग जो है आज के डेट में जो है सांप को मार देते हैं। और देखिये बारिश भी हो रहा है, तो भैया हमें जो है लाने के लिए भी चल गए कि नहीं आज इस बेजवान को बचाना है। तो ऐसा ही दोस्तों आप लोग भी माइंड रखें कि सांप को मारे ना, हमेशा बेजवान को बचाए। अच्छे इस रूम के अंदर है, तो कैमरा मैन को दिखाइएगा सांप को, और थोड़ा अच्छा से कैप्चर कीजिए। देखिए उस आलू का बोरा के अंदर है, और मे भी हो सके ये सांप जो है यहाँ पे चूहा का या फिर मेढक का ही तलाश में आ गया होगा, क्योंकि अक्सर जो है सांप जो है घरों में घुस जाते हैं और चूहा के मेढक के कारण ही घुस जाते हैं। और काफी शांत मिजाज में एकदम बैठा हुआ है सांप, लगता है इसको अपना भोजन मिल गया है। थोड़ा कैमरामैन जूम करके कैप्चर कीजिएगा, लगता है चोट भी इसको लग गई है। आप लोग मारे हुए हैं क्या? भगाने के चक्कर में जो है सांप को जो है चोट भी थोड़ा लग गया, तो थोड़ा अच्छा से थोड़ा आगे आके कैप्चर कीजिएगा और लोगों को दिखलाइए। लोग सांप को पहचानने में भूल कर जाते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सांपों को पहचानने में भूल ना करें। ये जो है इंडिया का मोस्ट वैल्यूबल स्नेक है, जिसको हम लोग इंडियन स्पैटिकल कोबरा, बहुत जगह खरीस, गेवन, कई अन्य नामों से जानते हैं। इसको निकालते हैं, देखिएगा किस प्रकार के, और जैसा कि देख रहे किस प्रकार ये फन अपना खड़ा हो रहा है। देखिए ये बहुत ही जहरीला सांप है। और देखिए इसका हुड में जो है यू शेप जो बना हुआ है, कैमरा मैन बच्चा सवाल पर कैप्चर कीजिएगा यू शेप को। और इस यू शेप से जो हम लोग इसको पहचानते हैं, ये इंडियन स्पैटिकल कोबरा है। अगर यू शेप ना रहे ये कॉमन कोबरा कहलाए। चलिए सांप जो है रेस्क्यू हो गया सेफली, बाहर ज्यादा बड़ा साइज के नहीं, ये जो की मीडियम साइज का है। नहीं नहीं भागेगा नहीं, हम लोग तो पकड़ा के तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हो सांप को, इसके बारे में हम लोग कुछ बताना चाहेंगे। जैसे कि इसको हम लोग इंग्लिश में इंडियन स्पैटिकल कोबरा, हिंदी में जो है नाग, गेवन, खरीस और कई अन्य नामों से जानते हैं, और इसी का जो साइंटिफिक नेम दिया गया है जो कि नाजा नाजा है, और हमारा वेस्ट बंगाल साइड इसको गोकुरो पलटू के नाम से जानते हैं। और ये हाईली वेनमस स्नेक है। इस सांप में जो है न्यूरोटॉक्सिन जहर है, न्यूरोटॉक्सिन काफी जहरीला जहर होता है। देखिए किस प्रकार ये अपना हुड उठा रहा है, और ये एक मात्र सांप है जो कि अपना हुड को ऐसा उठाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्राकृतिक चीज है, और ये एक अंडा देने वाला सांप है। और आप लोग से सभी से एक निवेदन है कि कभी भी ऐसा जहरीला सांप किसी को भी काट लेता है तो ओझागुनी झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधा फौरन आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है। और ये एक बार में 30 से 40 पीस अंडा देने वाला सांप है। बहुत कोई जो है ऐसा सांप के काटने से जो है झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो कभी भी ऐसा सांप के काटने से झाड़ फूक ना करवाए, फौरन सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और ये मीडियम साइज का है। हाँ हाँ
और सांप जो है कलरफुल देख नहीं पाता है, जैसे कि हम लोग रंगीन देख रहे हैं, सांप रंगीन नहीं देख पाता है, सांप को जो है ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है, काला और सादा ब्लैक एंड व्हाइट ही। और ये जो जीप को पल पल जो निकाल रहा है, इस जीप से जो है सांप अपना आगे की रेडिएशन, वाइब्रेशन, वायु तरंग, ध्वनि तरंग को फील करता है। और सांप के पास कान भी नहीं होता है, बहुत कोई कहता है कि सांप सुनता है हमारी बातों को या फिर बीन की आवाज सुनता है, सपेरा बीन बजाता है तो सांप नाचने लगता है, तो जो कि एकदम ही गलत है। सांप जो है बीन की आवाज नहीं सुनेगा, देखिए ये जिधर जाएगा उधर ही घूमेगा, देखिए किस प्रकार घूम रहा है। और सपेरा हमें बुड़बक बना देता है कि सांप जो है बीन की आवाज से नाचता है, क्योंकि इसके पास तो कान ही नहीं है आवाज सुनने के लिए, मतलब। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा कॉपी करने का बिल्कुल प्रयास मत कीजिएगा, जिस प्रकार जो हम लोग सांप को रेस्क्यू कर रहे हैं इस तरह आप लोग मत कीजिएगा, नहीं तो तुरंत दुर्घटना घट जाएगी। चलिए टॉम को दीजिएगा, और इस टॉम की सहायता से जो है बहुत ही आसानी तरीका से सांप को पकड़ा जा सकता है। देखिए इस प्रकार पकड़ा गया, और देखिए इसका यू शेप किस प्रकार है, देखिए इसीलिए ये यू शेप इसी तरह इसीलिए इसके पीछे बना हुआ है कि ये कभी भी ऐसा खड़ा हो जाता है तो बहुत देर में जो है ये अपने सर को झुकाता है, और ऐसे अगर रहे तो चिड़िया पीछे से वार कभी भी कर सकता है, इसलिए इसके पीछे जो है ये यू से बनाया गया है। और दोस्तों बहुत किसी का ऐसा कहना रहता है कि नाग सांप जो है दूध पीता है, जो कि एकदम ही गलत है। पूरा विश्व का जो है कोई भी सांप दूध नहीं पीता है, पूरा विश्व का कोई भी सांप जो है दूध नहीं पीता है। और अगर सांप को जबरदस्ती अगर दूध पिला दीजिएगा तो सांप जो है मर जाएगा, क्योंकि इसके बॉडी में जो है एंजाइम पाया ही नहीं गया है कि ये सांप जो है अपना दूध मतलब दूध को जो है हजम कर सके। इसके बॉडी में जो है कांटा पाया जाता है, और इंसानों के बॉडी में हड्डियां, तो हमारा बॉडी में कैल्शियम बनता है बट इसका बॉडी में कैल्शियम नहीं बनता, इसलिए ये जो है छोटे से छोटे बिल में घुस जाते हैं, इसके बॉडी में कांटा रहता है इसीलिए। तो दोस्तों इसको हम लोग ज्यादा तंग नहीं करेंगे, और इस बैग में जो सेफ्टी सेफ हम लोग इसको पैक कर लेंगे, फिर कोई घना जंगल जाएंगे वहीं सांप को रिलीज कर दिया जाएगा। कैमरा में आइएगा, देखिए किस प्रकार ये जाएगा इस बैग, क्योंकि इसको लगेगा कि ये बिल है और ये चला जाएगा। काफी डरा हुआ है लाइट के कारण लगता है, देखिए किस प्रकार ये जा रहा है, क्योंकि सांप को जो है ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, और ये जो है समझ गया कि लगा इसको कि ये दिल है, ये दिल समझ के इसमें चला गया। अभी भी देख रहा है, मैंने पूछ रहा हूँ, दोस्तों सभी से एक छोटी सी निवेदन है कि ऐसा कॉपी करने का बिल्कुल मत प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो काम जो है एक ट्रेनिंग पर्पस के कारण हो रहा है, अगर आप कॉपी कीजिएगा तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती है। दोस्तों सांप जो है पैक हो गया है, और काफी सेफली इसमें पैक है, और काफी बिग साइज का है, और इसमें ऑक्सीजन जाने का भी इसको मिल रहा है इसमें, और इसमें आसानी से रह सकता है। कोई घना जंगल जाएंगे वहां जब जाएंगे तो इस सांप को जो है सुरक्षित आजाद कर दिया जाएगा। सो होप गाइस आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आती तो वीडियो पे एक लाइक करना ना भूलिए, चैनल पे नए रहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे घंटे को दबा दे, जैसे इसी तरह इस नेक्स्ट के रेप्टाइल से जुड़ी जानकारी आपके फोन तक सबसे पहले आए। मिलते हैं गाइस जल्दी ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कोई छोटे छोटे विद्वान को बचाते हुए। मैं परवेज स्नेक से डिस्ट्रिक्ट बोकारो से, सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, और सांप से हमेशा दूरी बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अभी जो हम लोग काफी घना जंगल में आ गए, जो सांप जो है रेस्क्यू हुआ था, ये कौन सा एड्रेस था, चरेटा मामरकुडर, मामरकुडर प्रखंड चास में, जो एक इंडियन स्पैटिकल कोबरा हम लोग रेस्क्यू किए थे, उसी को जब हम लोग घना जंगल फॉरेस्ट में लेके आ गया, और ये काफी डीप फॉरेस्ट है, और बैक साइड तरफ भी दिखा दीजिएगा थोड़ा अच्छा से, बहुत ही घना जंगल है, और हमारा गाड़ी भी उधर खड़ा हुआ है।
देखिए हम लोग काफी अभी आए हैं और इस सांप को जो है अभी हम लोग घना जंगल में जो है सुरक्षित आजाद कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग निकालते हैं और इस घना जंगल में सुरक्षित आजाद कर देते हैं। क्योंकि सांप को पकड़ना महानता नहीं है, सांप को बचाना महानता है। बहुत ऐसा करते हैं, पकड़ के इसको कैद करके रख लेते। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि कैद करके मत रखा कीजिए, आप रेस्क्यू करते हैं बहुत अच्छा है, तुरंत इसको फॉरेस्ट में रिलीज कर दीजिए। देखिए बहुत कोई ऐसा करता है कि सांप जो है अपना आंखों से जो है जो भी इसको मारेगा उसका फोटो कैप्चर कर लेगा। ऐसे तो सांप को कोई मारता नहीं है, पर कोई भी अगर मारे तो गांव में ऐसा करता है कि फोटो खींच लेता है, तो जो कि एकदम ही गलत है। चलिए आइएगा कैमरामैन थोड़ा सामने, फिर इसको हम लोग छोड़ देते हैं और चला जाएगा ये जंगल के। देखिए अच्छा से लीजिए इसको जाते हुए, देखिए किस प्रकार ये जा रहा है और इसको जो है हम लोग को ये गलत सब जा रहा है। चलिए लीजिएगा कैप्चर कीजिए अच्छा से, देखिए जाते हुए। और दोस्तों सांप को जो है इसी प्रकार जो है बचाते रहिए, मार के कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत कोई मार देते सांप को तो कोई प्राइज नहीं मिलेगा, सांप को बचाने का प्रयास कीजिए। और देखिए ये चला जाएगा लगता है ये। लीजिए देखिए जा रहा, अब ये सेफली जो है चला गया जंगल की ओर। और बारिश हो रहा है और बारिश के कारण जो ही जितना भी सांप जो है हाइबरनेशन में थे वो सब अब धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो गया। देखिए ये चला गया सांप जो है। और दोस्तों इसी प्रकार जो है सांप को बचाते रहिए, और वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।